गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है। प्रधानमंत्री से पहले अपना स्टेटमेंट, इसका चर्चा शुरू। मणिपुर में पिछले 77 दिन से 78 दिन से अराजकता का माहौल बना हुआ है कि वहाँ पे सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ये बात गलत नहीं है। कि आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया, आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय में। मणिपुर को बर्बाद करने में भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है। मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है, और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना, और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट के तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया, और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जब वो पार्लियामेंट चल रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो वो आउटसाइड बोल सकते हैं, जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना, ये हमारा मकसद है। अनफॉर्चुनेटली वो उसको उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उसको, और सिर्फ अपनी बातें कही। अब मुझे आज इत्तला मिली कि अमित शाह साहब कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं, तो सवाल ये है कि अमित शाह साहब स्टेटमेंट कोई भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आके अगर देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब तक उन्होंने 80 दिन में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। अब वो करना चाहिए था, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपना विफलता दिखा दी। तो बस अब हम जाएंगे तो अब बात करेंगे, अब तो मैं यहाँ हूँ, ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं है, और आज सभी लोग मेरे को विश कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ बोलना भी ठीक नहीं। आपको मणिपुर सीएम को बर्खास्त करना चाहिए? मणिपुर सीएम को बर्खास्त करना चाहिए? बर्खास्त जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो अगर ध्यान देते ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, रेप होना लेडीज का, और उसके बाद वुमन को हरासमेंट करना, घर जलाना, कार जलाना, दुकान जलाना, ये सारी चीजें जब हो रही है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, तो जब वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका फेल्यूर है, एक। और दूसरा, उन्होंने कभी बोलते ऐसे इंसिडेंट बहुत हो गए हैं, लेकिन खुलासा किसी ने वीडियो लीक किया, इसीलिए ये महिलाओं का जो परेड कराना, रेप का, ये सब दिखाई गया, लेकिन ऐसे बहुत है, उन्होंने खुद ही कहा, तो अपनी कमजोरी तो उन्होंने मान ली, और ये क्यों छुपाए इतने दिन तक, वो मुझे ठीक नहीं लगा। और लोग हमारे लड़ रहे हैं, देखेंगे आज क्या होता है, मुझे अभी मालूम नहीं, लेटेस्ट न्यूज उसके बाद बोलूंगा। जो चर्चा मांगी जा रही है वो है कि तत्काल प्रभाव से चर्चा हो,
उसको ये नहीं कि बाद में कराएं चर्चा को, क्योंकि बहुत अर्जेंट इम्पोर्टेंट मसला है। दूसरे जो है कि प्रधानमंत्री इस पे पहले अपना स्टेटमेंट दे, इसका चर्चा शुरू। इस जो संयुक्त विपक्ष की मीटिंग हुई थी उसमें बात तय हुई थी, तो स्टैंड समूचे विपक्ष ने लिया है, तो उसमें यह कि प्रधानमंत्री का बयान हो उसके बाद उस पर चर्चा चालू, और वो तत्काल उससे शुरू होनी चाहिए, उसी से सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। ऐसा हाउस तभी चलेगा जब पीएम मौजूद रहेंगे। हाँ, मतलब पीएम का स्टेटमेंट हो जाए उसके बाद वो मौजूद रहे, अलग चीज है। कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है, सारे विपक्ष का संयुक्त स्टैंड है। किसी भी और प्रदेश से की जाए वो भी इस समय, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो ही नहीं सकती। मणिपुर में पिछले 77 दिन से 78 दिन से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। अगर ये कहा जाए कि वहां पे सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है तो ये बात गलत नहीं होगी। और इस संदर्भ में जब संसद का सत्र, जो मानसून सत्र है, जो बारिश का सत्र है, वो जिस दिन शुरू हुआ, तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था कि वो सदन के समक्ष जो भी बयान देना है सदन के समक्ष दे। एक सदन की मर्यादा और परंपरा है कि जब सदन चलता है तो कोई भी बयान सदन के बाहर नहीं दिया जा सकता, और इसलिए सवाल एक दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बरतापूर्ण घटना का नहीं है। सवाल ये है कि पिछले 78 दिन से जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और इसीलिए विपक्ष ने ये मांग की है कि काम रोको प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यसभा में इस पे चर्चा होनी चाहिए। सर, आप लोग कह रहे हैं कि काम रोको प्रस्ताव आप ला रहे हैं, जनमोशन नोटिस ला रहे हैं और सब चीज ला रहे हैं। पीयूष गोयल जो राज्यसभा में जो है सदन के नेता हैं, और प्रहलाद जोशी साहब जो इधर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है लोकसभा में, वो कह रहे हैं कि रूल्स के तहत सारी डिस्कशन होगी, लेकिन तो विपक्ष रूल्स के तहत नहीं चाहता, वो डिस्ट्रप्शन चाहते हैं, तो वो मान क्यों नहीं लेते? हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है 184 के तहत, काम रोको प्रस्ताव के तहत आज बहस करा दें। हमारी मांग क्या है कि प्रधानमंत्री जी अगर सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन के भीतर बोलने में उनको क्या आपत्ति है? दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दें और काम रोको प्रस्ताव के तहत उस पर चर्चा हो, ये हमारी मांग है। सर, हाउ डू यू सी द होल सिनेरियो नाउ? यस्टरडे द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर केम अप एंड डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेड दैट 3 मोर अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड इन दैट केस, द पुलिस एक्शन इज ऑन, and at the same time NHRC has issued a notice to the chief secretary and DGP of the state, and the prime minister has also broke his silence yesterday before the parliament session commenced, and he talked to media and said about the Manipur incident that Paul is saying it's a very shameless incident what has happened, and guilty will not be spared. He also discussed about Rajasthan issue, and the BJP MPs are saying that it's a total failure of the Gehlot government, and 1 crore compensation should be given to deceased. With great regret, I must say it's a very cynical approach, equating and comparing the atrocities which have unfolded in Manipur over the past 78 days to something regrettable and something unfortunate which has happened in some other state is absolutely reprehensible, for the lack of a better word. What you have seen play itself out in Manipur is the most horrific manifestation of violence that this country has possibly seen in the past so many years. If one were to say that the state has collapsed in Manipur, it would not be an overstatement. So therefore, under those circumstances, if the Chief Justice of India can take cognizance, suo motu cognizance, and direct the government that the court will have to intercede if the government does not do anything, shouldn't Parliament be discussing it in a constructive, serious, sensitive and a responsible manner? Should the Prime Minister not be speaking to the House? Is it appropriate for the Prime Minister to be speaking outside the House when the House is in session? Because that defies every constitutional tradition which has been institutionalized or consecrated in parliamentary democracy since its inception
in 1952 or even when the Constituent Assembly was there. So there are grave issues concerning Manipur, which is a border state, next to Myanmar. There are reports in the Chinese media that even China is watching the situation in Manipur very closely. It has larger geostrategic implications. So therefore, under those circumstances, it is important that the Prime Minister speaks to both houses, makes a statement, and that should be followed by a discussion under Rule 184 in the Lok Sabha and 267 in the Raj Sabha. So it is the foremost demand of opposition. The Prime Minister must answer and must give a statement in the House. But don't you think that the Prime Minister must? After all, what has been playing itself out in Manipur is a horrendous tragedy, for the lack of a better word. If the Prime Minister can take cognizance of the flood situation in Delhi, can't he take cognizance of the, if I may use the word, a kind of an ethnic divide which has completely and absolutely crippled Manipur? But the leader of the House in Raj Sabha and the parliamentary affair, Mr. Prahlad Joshi, said that we want a discussion, government want a discussion, but according to the rules. We've given notice under the rules. We don't give notice outside the rules. We have given a notice under the rules. Let them accept the notice. But sir, in Lok Sabha, Prahlad Joshi, the Union Minister of Parliamentary Affairs, said that let the Lok Sabha Speaker decide the date. We are ready to discuss. Well, we have given a notice as per rules, right? The thing is, accept the notice, accept the 184 notice, let the Prime Minister make a statement at the commencement of the discussion, and let the discussion take place. My last question to you, sir. Today, in the Supreme Court, Rahul Gandhi's plea is to be heard against the High Court verdict of Ahmedabad High Court verdict on his membership disqualification issue, on his defamation case punishment issue. The High Court has given the verdict now. Rahul Gandhi has approached Supreme Court, and the hearing is on today. So, how hopeful the Congress Party? Well, the balance of convenience is clearly in Mr. Gandhi's favour. A great injustice has been done to Mr. Gandhi. A great injustice has been done to his constituents, and so therefore we do hope and pray that justice is done, and Mr. Gandhi returns to the Lok Sabha as an honourable member, representing the people of Wayanad, who deserve his representation in Parliament, and more so given the fact that he is a national leader. The nation also looks forward to the articulation of a large number of issues by him. देखिए आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया है और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पे. मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूं दिल दहल गया है. हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियंस और आत्मा झंझोड़ी गई है और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराए. और मैं खास तौर पे केंद्र में बैठी सरकार का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे जो उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में 25 फरवरी 2017 को दिया था ट्वीट करके. उन्होंने खुद कहा था उस समय वहां पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दोज हु कैनॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर, सेज प्राइम मिनिस्टर. ये 1:08 दोपहर के समय 25 फरवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, देशवासियों के सामने रखी थी. मैं इसी प्रधानमंत्री जी के बयान का उन्हें आवाहन देते हुए कहना चाहूंगा कि सदन के भीतर आए, इस पर बयान दे और चर्चा कराएं. पूरा देश आज जानना चाहता है कि मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर जैसे जल रहा है उसके लिए सरकार ने क्या किया, क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं. फिर भी अगर राज्य की सुरक्षा की, देश के एक अभिन्न अंग मणिपुर में ये हालात हो रही हैं, ऐसी वारदातें हो रही हैं, इस प्रकार से क्लैशेस हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है,
हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, जान माल का नुकसान हुआ है, जो बता रहे हैं कि राज्य में अब कुछ बचा ही नहीं है। उस स्थिति में भी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और वो बहस कराने से भाग रही है। ये बहुत दुखद है। मैं चाहूंगा कि आज हम सबका और मेरा भी जो रूल 267 का नोटिस है उसका संज्ञान लेते हुए आज से ही मणिपुर पे बहस शुरू हो और मणिपुर में जल्द से जल्द एक डिसक्रेडिटेड सरकार जो है बीजेपी की राज्य में उसे बर्खास्त किया जाए, उन्हें कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। एक इतर सवाल है कि बीजेपी आज प्रोटेस्ट कर रही है कि राजस्थान में एक दलित महिला के साथ भी वही हुआ है, उनको भी नेकेड पैरेड कराया गया और उसके साथ रेप किया। देखिए, जहां जहां भी ऐसी वारदातें हुई हैं उन सारी वारदातों का हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं और सारी बातों पे चर्चा हो, कोई चर्चा से भाग थोड़ी रहा है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है चर्चा कराने की। आज से पहले भी रूल 267 में कई सारे नोटिस स्वीकारे गए हैं, उन पे चर्चाएं हुई हैं। मैं आज उन सारे पुरानी जितने भी रूल 267 के नोटिस आज तक एक्सेप्ट किए गए हैं उन सबका ब्यौरा लाया हूं, आज रखूंगा सदन के भीतर चेयरमैन के सामने कि ये सारे वो रूल 267 की बहस है जो इस सदन के भीतर हुई, हमारे नोटिसेस न जाने क्यों अब ये सरकार स्वीकारती ही नहीं है। और मैं तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बयान का आह्वान देने आ रहा हूं सदन के भीतर कि जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं ये बात कि मणिपुर सरकार को कोई अधिकार नहीं है अब सरकार चलाने का, वहां पर बहुत बुरी स्थिति है, 2017 का उनका बयान है, आज तो स्थिति 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन टूडे इन मणिपुर इज मल्टीफोल्ड देन what it was इन the year 2017। आज तो स्थिति और बद से बदतर हो गई है, तो कृपया कर इस पर चर्चा कराएं, ऐसी मैं मांग रखू। देखिए, मणिपुर को बर्बाद करने में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है। जब सरकार प्रायोजित हिंसा होती है, सरकार प्रायोजित दंगा होता है, फसाद होता है, तो उसमें न्याय नहीं मिलता और यही सब कुछ हुआ मणिपुर के अंदर। 4 मई की घटना है, 18 मई को FIR हुई है और 18 मई की FIR के बाद गिरफ्तारी अब हो रही है। इसका मतलब सरकार इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, उसका समर्थन कर रही है और जितना शर्मनाक बयान वहां के निकम्मे सीएम का आया है वो तो और भी शर्मनाक है। वो कह रहा है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, किस पे कार्रवाई करूं, वो कह रहा है लोग तो वहां मर रहे हैं। जब वहां लोग मर रहे हैं, जब महिलाओं को निवर्स्त करके नंगा करके टहलाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है, उनका रेप किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों थे अब तक? प्रधानमंत्री जी चुप कब थे? वो इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा, जब सदन चलेगा तब हम बोलेंगे? एक संवेदनहीन, क्रूर और कायर शासक होने का परिचय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और मैं समझता हूं कि मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, सदन में आके सारी घटनाओं के ऊपर जवाब देना चाहिए। ये सिर्फ एक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी, 4 मई की घटना है, 18 मई को FIR हुई, ना आपको पता ना आपके सीएम को पता। प्रधानमंत्री जी, हिंसा अप्रैल में शुरू हो गई, 1 महीने के बाद गृहमंत्री पहुंचते हैं, उसके 1 महीने के बाद आल पार्टी मीटिंग होती है, उसके 1 महीने के बाद आप बोलते हैं आपने इस देश को मजाक बना रखा है। मणिपुर जल रहा है, वहां दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों को मार के लटका दिया जा रहा है, चर्चों को जलाया जा रहा है और आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। कहीं मंदिर जल रहे हैं, कहीं चर्च जल रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये सरकार प्रायोजित, भाजपा प्रायोजित हिंसा और दंगा है और इसलिए इसमें लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, वो सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए। ऐसा निकम्मा सीएम जो इस तरह की घटनाओं को जस्टिफाई करे और ऐसा
कायर प्रधानमंत्री जो ऐसी घटनाओं पे चुप रहे महीनों महीने तक, मैं यही कह सकता हूं कि ये देश इस वक्त ऐसे नफरत फैलाने वाले क्रूर शासकों के हाथ में है, जिस पर इस देश के लोगों को सोचना होगा, इनसे निजात पाने का रास्ता खोजना होगा। अरे पीयूष गोयल को अपना रवैया देखना चाहिए, अपनी सरकार का निकम्मापन देखना चाहिए, मणिपुर की हिंसा देखनी चाहिए। पीयूष गोयल क्या बोलेंगे? पीयूष गोयल को मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत देखनी चाहिए। जरा सी भी शर्म हो तो बोलना बंद करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सदन शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तब ये लोग जागे हैं। क्या कर रही थी यह सारी संस्थाएं अब तक? क्या कर रहे थे ये लोग? इंतजार कर रहे थे कि जब सदन की शुरुआत होगी तब बोलेंगे ये लोग? और एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के वो कह रहे हैं कि ये टाइमिंग गलत चुनी गई, मतलब बीजेपी की सरकार का निकम्मापन मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। ऐसी घटनाओं को भी बीजेपी के लोग बेशर्मी के साथ आकर डिफेंड कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता, उनके नेता। इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए क्या हो सकता है? सर, विपक्षी दलों ने लोकसभा में इस मामले पर चर्चा के लिए नियम 176-267 के तहत नोटिस दिया गया। हाँ, तो नोटिस दिया गया है। अभी एक नोटिस तो मेरा था स्पेशल मेंशन का, जिसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। 267 का नोटिस मैंने भी दिया है और सदन में चर्चा की मांग करेंगे। मणिपुर पर जब तक प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते तब तक हम लोग सदन में आवाज उठाते रहेंगे। सर, ममता बनर्जी का जी का अनुमति नहीं मिली, उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है इसको लेकर। भाजपा ही करा रही है सब कुछ। ये डबल इंजन की सरकार, ये नफरती सरकार जो केंद्र और राज्य में बैठी है, यही लोग करा रहे हैं इस चीज को। सर, पंजाब कांग्रेस ने भारत में आपको शामिल करने का विरोध किया है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पार्टी से पूछिए। सर, जोधपुर हत्याकांड मामले में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से देश में जहां जो घटनाएं हो रही हैं उस पर न्याय हो और कानून अपना काम करे। आफ्टर 80 डेज प्राइम मिनिस्टर स्पोक फॉर 80 सेकेंड्स इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट ऑन मणिपुर, ही हैज नॉट स्पोकन वन सेकेंड ऑल्सो इनसाइड द पार्लियामेंट अबाउट मणिपुर। यस्टरडे इन अ प्राइवेट टू अ प्राइवेट चैनल ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर has spoken very serious reports. She has spoken up, told about it. She has told that she has sent to the higher ups, that is the Home Ministry, that 70,000 refugees are there in camps, and people of, she has never seen in an independent India violence like this. For it's a very serious thing from the governor of Manipur. For we want the Honorable Prime Minister to come to the Parliament and answer these questions about the Governor's report. What Governor has told to them, what is the real fact? Therefore, Prime Minister is not has not gone to Manipur. Honorable Home Minister has gone 60 days before for 2 days. And now when Governor is speaking like this, yesterday in a private channel, it takes serious view about Manipur. And videos which are coming out from Manipur shows the disturbance, real story. Therefore, we want the Honorable Prime Minister Modi, instead of speaking outside the parliament, he should come to the house and make a statement, what is the real fact? Because governor has asked certain questions and she has shared some information in the public forum. This is the first time a governor of a state has told a new information which is very serious in nature, and opposition parties demand that Honorable Prime Minister, who speaks everywhere and anywhere, every day he speaks 3 speeches minimum, why can't he come to Parliament and give a speech today?